जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता किसान आंदोलन चला हुआ, इस आंदोलन में कबड्डी का भी मैच हो रहा है, यहाँ पे युवा भी आए हुए हैं और कुछ लोग हमारे साथ आए हुए हैं, जरूर जाने। नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ पे किसान आंदोलन भी चला हुआ, साथ में युवा भी अपना प्रदर्शन कर रहे, खिलाड़ी भी आए हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसका संकेत ही देना चाहते हैं हम सभी जनता को या मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि खिलाड़ी भी इस जंग में हमारे साथ है और वो खेल करके ही हमारा साथ दिखा रहे हैं कि इस आंदोलन में वो बिल्कुल हमारे साथ हो। कह रहे थे सिर्फ किसान है, पंजाब के किसान है, फिर कह रहे सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसान है, तो खिलाड़ी, वीर सैनिक, शौर्य चक्र और सभी खापों के प्रधान हमारे साथ है इस लड़ाई में, और तब तक कानून वापस नहीं होंगे जब तक घर वापसी नहीं होगी, सिर्फ रोक से काम नहीं चलेगा। आप पेशे से एक डॉक्टर हो और कुछ जो राजनीतिक लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं भी, किसानों को तो ये कानून समझ में नहीं आया, अनपढ़ लोग, आप तो पढ़े लिखे हो, क्या आपको भी ये समझ में नहीं आया, आप क्या कहना चाहोगे? सर देखो, ये कानून जो बना है वो वाक्य में गलत है, उसमें देखो ये संशोधन का काम कह रहे हैं कि संशोधन होगा तो आप खुद ही समझ लीजिए, कोई अनपढ़ नहीं है। संशोधन मतलब कि मतलब हमारी गवर्नमेंट को भी पता है कि इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो कमियां हैं तो मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कानून गलत है। सरकार ने साफ कर दिया कानून वापसी नहीं होंगे, लेकिन इनमें संशोधन हो सकता है। सर देखो, ये बात नहीं है कि संशोधन हो जाएगा, हो सकता है इस टाइप का संशोधन कर देगी जिसको आप बाद में हटा सकते हो, तो वो गलत है। हम किसानों के साथ है, किसान चाहते हैं कि पूरा रद्द हो, तो कानून को पूरा रद्द करके दोबारा बना दिया जाए, तो हम तो यही चाहेंगे। मेरे ख्याल से पूरी जितनी भी पब्लिक है वो सब यही चाहती है कि किसान जो कानून बने हैं किसानों के ऊपर, वो पूरे तरीके से रद्द कर दिए जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में सटे कर दिया गया इस कानून के ऊपर, क्या कहना चाहोगे? रोक से काम नहीं चलेगा, अभी कैंसिल करवाने, रद्द करवाने हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट रोक, तो ये लंबा प्रोसेस रहने, किसानों का इम्तिहान ले रहे हैं, लेकिन हमें 9-9 महीने का एक्सपीरियंस है। 1913 की मैं याद दिलाना चाहूँ आपको, जब ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था, ये तो एक मोदी अहंकारी है, इसको तो ज्यादा देर नहीं लगेगी। जैसे कि आपने कहा भी अहंकारी सरकार है, लेकिन सरकार ने भी साफ मनसा कर दी, लेकिन दूसरी तरफ ये कि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें बीच में इंटरफेयर हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सटे लगा दी, क्या ये आंदोलन आगे ऐसे ही चलता रहेगा? फिर ये आंदोलन ऐसे जारी रहेगा, जो हमारी उच्च स्तरीय कमेटी है वो फैसला लेगी आगे क्या करना है, लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। ये किसानों की पहली प्राथमिकता है, आम पब्लिक दुखी ना हो, बिल्कुल शांत तरीके से बैठे, आराम से खेल चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी साफ कर दिया था कि किसान शांति प्रिय आंदोलन कर रहे हैं, अब इनके आंदोलन, इनके अधिकार हम उसको छीन नहीं सकते, लेकिन कहीं इनको जगह दे दी जाए उसके हिसाब से ये आंदोलन कर सके। रोडों पर वो दिल्ली में एक जगह दी गई थी, वो ओपन सेंट्रल जेल बनाई गई थी, बोराड़ी में जगह दी गई थी, वहाँ हमारे उस स्तरीय ने मना कर दिया, वो सेंट्रल जेल थी, वहाँ से चारों तरफ से पुलिस होती, आने जाने के लिए, खाने के लिए बहुत सी दिक्कतें होती, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, किसान आराम से बैठे। किसानों ने 26 जनवरी का आह्वान किया, उसके बारे में क्या कहना चाहो? ये आह्वान है और ये चेतावनी समझे, क्योंकि किसान जो करते हैं अब तक बैठे थे, एक तरफ टैंक चलेंगे, एक तरफ किसान के ट्रैक्टर चलेंगे, ये कोई ताकत रोक नहीं सकती हमें 26 जनवरी को इंडिया गेट पे जाने के लिए, या तो उससे पहले फैसला हो जाए। तो राकेश टिकैत जी हैं जो, उन्होंने भी ये बयान दिया था कि भाई हम सरकार की जो 26 जनवरी जो मना रही है उसको हम भंग नहीं करना चाहते, एक तरफ हमारे ट्रैक्टर होंगे, दूसरी तरफ अपना जवान प्रोटेस्ट कर, ये मनसा देश हित में ही बात करेंगे, वो जवान है वो भी हमारी और देश की इज्जत हमारी इज्जत भी है। हम ये नहीं चाहते कि भी टैंक नहीं चलेंगे, सिर्फ किसान चलेंगे, किसान के ट्रैक्टर टैंक के साथ में चलेंगे, जवान और किसान मिलके ही देश को बचाएंगे, दोनों इकट्ठा चलेंगे, आपका कहने का मतलब ये है? हां, दोनों इकट्ठा चलेंगे, और वो किसान जो जवान है वो भी हमारे ही बेटे हैं, किसान के बेटे हैं, मोदी को तो पता नहीं क्योंकि ना इसके खेती है ना इसके बेटी है, अब हमें ही बचाना जो कुछ बचाना है। एक लास्ट सवाल आपसे, जो खट्टर की रैली थी कामला गांव में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो सिर्फ चंद 9 लोगों की ताकत थी, 5000 पुलिस वाले थे और 9 लोगों ने प्लान किया था, वो यहाँ तो हजारों लाखों पड़े हैं, तो खट्टरी से सबक ले ले कि किसान इतना कमजोर नहीं, सिर्फ एक किसान ही बहुत है उसके लिए। इसी के पीछे रणजीत चौटाला जी का बयान आया था, उन्होंने कहा था भी सरकार के पास बहुत ताकत होती है, राज्य के पास अगर हम चाहते तो मतलब उनका कुछ संकेत है, कुछ सरकार की ताकत सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पे चल सकती, किसानों पे नहीं चल सकती, किसान किसी के नौकर नहीं है, सरकार सेवक है, सबसे बड़ा सेवक है प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री, वो जनता के सेवक है, तो उनकी ताकत हमारे ऊपर थोड़ी ना चलेगी, वो तो गवर्नमेंट कर्मचारी उसको दबा सकते, कुछ बदली कर सकते, किसानों को कैसे दबा देंगे? मैम आप क्या कहना चाहोगे, नारी शक्ति भी इसमें साथ में जुड़ी हुई है आंदोलन? देखिए, हर कदम पे कदम मिलाकर चलती है नारी, और ये जो आंदोलन है ये सिर्फ किसानों का नहीं है, हर वर्ग का है, इसमें आप ये देख लीजिए किसान के साथ साथ ना सिर्फ छोटा व्यापारी, मजदूर,
मजदूर वर्ग के लोग भी हैं, वो दिहाड़ीदार मजदूर जो हर दिन किसान के खेत में काम करके अपने बच्चों को पाल रहा है, वो भी इनके साथ है। तो ये सरकार का तो ये बिल्कुल ही ये सोचना जो है ना उनका कि भाई किसान ही है सिर्फ, ये भी उनकी सोच बिल्कुल गलत है। उनको ये सोच लेना चाहिए कि हर एक इंसान जो इस धरती पे पैदा हुआ है वो किसान के साथ है, फिर चाहे वो मजदूर हो, फिर चाहे वो छोटा व्यापारी हो, फिर चाहे वो किसान हो या वो सरकारी नौकर ही क्यों ना हो, हर इंसान किसान के साथ है। ये सरकार को मान लेना चाहिए बिल्कुल।